दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे राउट्स लॉ के बारे में। राउट्स लॉ आपकी सॉल्यूशन यूनिट का एक टॉपिक है। इसमें क्या बोला गया है, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो इसमें क्या बोल दिया, जब हम एक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन आपको पता है दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, ए और सपोज कर लो ए और बी से। ए हमने यूज किया है सॉल्वेंट के लिए और बी हमने यूज किया है फॉर सॉल्यूट के लिए। तो अब इसने बोल दिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मींस ए एंड बी, ये आपका ए भी हो सकता है और आपका बी भी। तो जब ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे आपका क्या बनाएंगे, ए बी। तो इस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी ए, और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी बी। इनकी सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए और सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी। इसी तरह सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, एक्स ए, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, एक्स बी। और इसी तरह आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नोट ए और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पी नोट बी। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, इनकी इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के और वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता लग गया ये आपका राउट्स लॉ है। तो अब हमने स्टडी करना है राउट्स लॉ को किस चीज़ के लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। वोलेटाइल मींस आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल। जैसे आपको पता है सॉल्यूशन आपके कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सॉल्यूशन इज मेनली टू टाइप, फर्स्ट आपका सॉल्यूट और सेकंड आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से तो सॉल्यूशन आपका मिलके बनेगा। सॉल्यूशन होता है आपका एक तो वोलेटाइल और एक आपका नॉन वोलेटाइल। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन जो क्या होगा, जो सॉल्यूशन इजली किसमें चला जाए, वेपर की फॉर्म में, किसमें चला जाए इजली, वेपर की फॉर्म में। इट मींस आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकता है कि दोनों ही क्या होंगे, आपके किसकी फॉर्म में होंगे, दोनों ही लिक्विड की फॉर्म में। इट मींस आपका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया अल्कोहल और वाटर। वाटर को हमने ले लिया यहाँ पे सॉल्वेंट, प्लस अल्कोहल को ले लिया सॉल्यूट। जब इन दोनों से मिलके एक सॉल्यूशन बन गया आपका इस कंपोनेंट में, इस कंटेनर में, यह आपका सॉल्यूशन बन गया किसका, अल्कोहल प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमने वाटर को लिया है सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी ए। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आएगा इसका, पी ए, या इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा इसका, पी नोट ए, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, एक्स ए। लेकिन हमने इन दोनों वैल्यू को क्या लेना है, इसकी प्योर स्टेट में, पी नोट ए को और एक्स ए को हमने किस में लेना है, प्योर स्टेट में। हम यह बात कर रहे हैं किसकी, पार्शियल वेपर प्रेशर की। और इसी तरह आपका अल्कोहल है उसको हमने क्या मान लिया, सॉल्यूट। अल्कोहल को क्या मान लिया, सॉल्यूट। और इसका जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी। इट मींस जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, आपका पी ए प्लस, सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, आपका पी ए प्लस पी वी। यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी
डिग्री इनकी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। पीछे हमने पढ़ा था, पीछे हमने अभी स्टडी किया था, पी होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी वी किसके बराबर होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ। तो पी ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और पी वी की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर वन मान ली इसको, हमने क्या मान लिया इसको इक्वेशन नंबर वन, तो पी ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और पी वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू वन। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस एक्स बी, एक्स ए किसके बराबर आएगा वन माइनस एक्स बी। अब हम इस एक्स ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब जैसा कि हमें यहाँ पता है पी नॉट ए को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, क्या बनेगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी इन दोनों में कॉमन है तो एक्स बी टेकन एज कॉमन, एक्स बी को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो जब हम एक्स बी को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, पी एस इज इक्वल टू एक्स बी, हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन दोनों के अंदर, तो बनेगा आपका पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो दोस्तों ये आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल मीन्स आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर की फॉर्म में है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसकी फॉर्म में है, दोनों वेपर की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन आपको क्या कहना चाहती है यहाँ पे, क्या इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब निकाल सकते हैं, जब हमें क्या हो एक का तो क्या पता हो मोल फ्रैक्शन, और दोनों के क्या पता हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या पता हो वेपर प्रेशर, और एक का क्या पता हो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दूसरे का मोल फ्रैक्शन तो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, हमें पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके बराबर है वन के बराबर। तो अब हम करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनकी हमने इस राउल्ट्स लॉ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में कैसे लिखेंगे इसको, हम ग्राफ से कैसे शो करेंगे, तो ग्राफ से शो करने के लिए आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ एक साइड में ये आपका ग्राफ ले लिया ऐसे कुछ, यहाँ हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, क्या ले लिया मोल फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ हमने ले लिया वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दो, ठीक है जी। तो अब हमें पता है जो वेपर प्रेशर होता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है मोल फ्रैक्शन की वजह से। देखो वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा मोल फ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से आएगा। तो यहां हमने क्या कर लिया मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, एक्स ए इज इक्वल टू वन और एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हमने वन ले ली और एक्स बी की वैल्यू क्या ले ली जीरो, यह हमें कैसे पता लगा, हमने इक्वेशन वही ली थी दोबारा से, सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है किसके बराबर होता है वन के बराबर। तो एक्स ए की वैल्यू किसके आगे, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर एक्स ए की वैल्यू हमने वन पुट कर दी तो एक्स बी किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा, अगर हमने एक्स ए की वैल्यू वन पुट कर दी, देख लो इसको कैलकुलेट करके
तो एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स ए वन और एक्स बी क्या आपका जीरो। तो अभी हमें पढ़ा था, अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो वेपर प्रेशर है वो किसका कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर इज ड्यू टू मोल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन किसका है, एक्स ए का है, तो वेपर प्रेशर भी किसका आएगा, किसका आएगा, ए का, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर हम किससे लिखेंगे, पी ए से। तो इसी तरह दूसरी साइड हमने ये ले ली, तो यहाँ आपका वेपर प्रेशर किसका आएगा, अगर यहाँ एक्स ए की वैल्यू वन है तो जब हम ऐसे जाएंगे एक्स बी की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा आपका, एक्स बी टेकन एज वन एंड एक्स ए टेकन एज जीरो। तो यहाँ आपका मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, ओनली पी बी का, बी का। तो ये देखो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, जब इस साइड जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है आपका, एक्स ए यहाँ पे जीरो आएगा, सॉरी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज, यानी कि एक्स बी की, एक्स बी की वैल्यू क्या थी जीरो और यहाँ एक्स बी की वैल्यू क्या होगी आपकी वन, और इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह एक्स ए से इस साइड से हम एक्स ए से इस साइड जा रहे हैं तो एक्स ए की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज, तो इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ जब हम दोनों को मिला देंगे ये क्या आएगा आपका, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और ये आपका बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये बन गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो दोस्तों ये था आपका राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।